हेलो हेलो, हाँ आदिल भाई से बात मेरी हो रही है। हेलो, हेलो आदिल भाई से बात हो रही है मेरी। जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं? चेन्नई मैं चेन्नई से बात कर रहा हूँ। से? जी, आदिल भाई हैं। जी, घर पर नहीं है। आप बताएं किस लिए बात करनी थी नहीं, आपको? कुछ दीनियात के बारे में बात करनी है, इसलिए मैं उनको गाय के? ढूंढा। जी, दीनियात दीनियात यानी दीन इस्लाम के बारे में कुछ गुफ्तगू करनी है। हाँ दीनी इस्लाम के? ठीक हाँ मैं मौलाना साहब बात कर रहा हूँ, समझे? तो आदिल भाई से बात करनी थी। तो एक जुल्फिकार भाई हैं, वो नंबर दिए हैं मुझे कि उनसे बात कीजिए करके। मिर्जापुर के पास करीब में रहते हैं ना? हेलो जी हेलो, हेलो, वासीपुर अस्सलाम वालेकुम। से खैरियत से आप हैं? बात कर रहे हैं आदिल भाई? तो जी, आप अभी कुछ बात कर रहे हैं, बहरहाल कुछ दिनियात के मामले में बात करनी है। जो जुल्फिकार भाई ने आपका नंबर दिया मुझे, तो अच्छा। आप तो किस जमात से अभी ताल्लुक रखते हैं भाईजान? जी, हम तो सबसे ताल्लुक रखते हैं। सबसे ताल्लुक रखना तो अच्छी बात नहीं है ना। रसूल पाक जी, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तिर्मिजी सल्लल्लाहु अलैहि शरीफ की वसल्लम। हदीस में मौजूद है, मेरी उम्मत में 72 फिरके हो जाएंगे, 73 फिरके जी हो जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, सिर्फ एक फिरका जो होगा जन्नती होगा, बाकी हाँ, सब जहन्नम दिस कॉल इज में नाउ चले बीइंग जाएंगे, रिकॉर्डेड। समझे? जी, बाकी फिर के जी हाँ, तो सब अच्छे फिरके नहीं होते हैं उसमें। हमारे या शर्मा फिर का ही जन्नती होगा। जी, एक ही फिरका सिर्फ जन्नत में कॉल जाएगा, रिकॉर्डिंग बाकी हैज सब नाउ जहन्नम एंडेड। में चले जाएंगे। चलो, ये मेरी बात नहीं है, मेरा फतवा नहीं है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फतवा जी मौजूद है ना? तो हमें जी चाहिए कि एक फिरका जो हक जमात है, जिसमें औलिया सालिहीन अंबिया, आप किस में देखते हैं, कौन से फिरके में आपको नजर आती है औलिया कराम, किस में मौजूद जी जिनके दरगाह, जैसे मजार शरीफ है, ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजेरी रहमतुल्लाह अलैह, जी हजरत अल्लामा गौसे पाक पीराने पीर महबूबे सुबहानी, हजरत निजामुद्दीन जी अवलिया, जितने भी हैं अहले सुन्नत व जी जमात के साथ में हैं और थे। तो आप, मैं सुना तकरीबन जैसे कि आप तबलीगी जमात से आप ताल्लुक रखते हैं, जी तबलीगी जमात के पीछे नमाज हमारी नहीं होगी, अच्छा, इसलिए कि हिदाया में कानून लिखा हुआ है, उलमा फुकहा बड़े बड़े उलमा लोग इसमें मुत्तफिक है। जैसे किसी को कोई ऐसी जगह पहुंच गया जहां तहरी सलात हो रही थी रात में, जैसे किबला किस तरफ है, दो आदमी था, किबला किस तरफ है, वो सोचने लगा, तो एक का दिल किया इस तरफ है पीछे तरफ है, एक का दिल किया सामने के तरफ है, तो तहरी सलात में जब जमात करेगा तो दोनों की नमाज नहीं होगी। इसी तरह से बगैर वजू के नमाज नहीं होगी, इसी तरह से नापाक में नमाज नहीं होगी, और दिल की नापाकी बदअकीदगी है जो देवबंदी वहाबी में कूट कूट के भरा हुआ है, समझे भाईजान? जैसे देवबंदी तो ऐसा अकीदा बरसाती मेंढक कीड़े मकोड़े जैसे होते हैं, वैसा बदअकीदगी भरा पड़ा हुआ है उनके किताबों में, लेकिन उनके उलमा नहीं बताते हैं, बयान नहीं करते हैं। और बयान करने की वजह ये मकसद है कि अपनी जमात को तरक्की देना, बढ़ाना, लेकिन उनकी बदअकीदगी जाहिर व बाहिर है, आलिम लोग जानते हैं। जैसे आप कुरान को महफूज मानते हैं, या तो कुरान बदला हुआ अभी मुहर्रफ कुरान है, यानी तहरीफ की हुई कुरान आप मानते हैं,
आप कुरान मजीद है, हम लोग पढ़ते हैं जो कुरान, जी वो आप क्या कहते हैं, जैसे इंजील बदल करके बदली कर दिया, असल इंजील मौजूद नहीं रहा, तौरेत असल, पहले तो अल्लाह ताला तौरेत नाजिल किया लेकिन अब तौरेत जो जी है वो असल नहीं है। तो इसी तरह से कोई अगर कहे कि कुरान मजीद ये जो हम लोग पढ़ते हैं ये असल जी कुरान नहीं है बल्कि बदला हुआ है, कहेगा तो आप बात मानोगे उसकी? नहीं जी, नहीं मानेंगे, बदला हुआ है ही नहीं कुरान। कुरान अगर जो ऐसा बदला हुआ कुरान कहे वो तो मुसलमान क्या, मुसलमान के बात मीम से भी उसका ताल्लुक नहीं होगा, होगा? जी, तो आदिल भाई जरूर सुनिएगा, इजाहुल अदिल्ला किताब है जिस देवबंदियों के शेखुल हिंद महमूदुल हसन देवबंदी सदरुल मदरसीन देवबंद कुरान पाक में इल्हाक, इल्हाक माने मिला हुआ, मिलावट होने के कायल हैं, लिखता है ये क्या कलामुल्ला व हदीस में बाज, ये कुरान सिर्फ नहीं बल्कि हदीस भी लाया है, ये इबारत उसकी किताब में पढ़ रहा हूँ, कलामुल्ला व हदीस में बाज आयत व जुमले, बाज आयत एक आयत दो आयत नहीं, बाज आयत बहुत सारे आयत और जुमले फिरका दाल्ला ने इल्हाक किए हैं, यानी कोई फिरका गुमराह वाले फिरका ने उसमें मिलावट कर दिया है, चुनांचे सब पर जाहिर है, सबको मालूम है ये बात। इजाहुल अदिल्ला सफा नंबर 357 में लिखा है ये। तो बताइए देवबंदी के शेखुल हदीस और सबसे पहले गुरु घंटाल लोग जो देवबंदी जमात को परवान चढ़ाया, उन लोगों का अकीदा ये है कि कुरान पाक महफूज नहीं है बल्कि उसमें इल्हाकात यानी मिलावट है, माज अल्लाह रब्बिल आलमीन, जबकि अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद का हिफाजत का खुद जिम्मा लिया है, इरशा अल्लाह तबारक व ताला खुद कहता है कुरान मजीद में मैं ही हिफाजत करूंगा उसके। देवबंदियों के ऐसे गंदे अकाई से तमाम मुसलमानों को अल्लाह तबारक व ताला बचाए। देखिए गंदा अकीदा है कि नहीं आदिल भाई, जी इस तरह से गंदे अकीदा लेकर के देवबंदी जो अपने सीने में रखा है उसको रहमतुल्ला अलैह और अपने अकाबिर मान रहा है, आप उसके पीछे अगर जा करके हम नमाज पढ़ेंगे तो उनका अकीदा कुछ और है, आपका अकीदा कुछ और है। आप खुद बोले कि हम कुरान को असल कुरान मानते हैं, जो वैसा माने वो काफिर है, तो एक काफिर के पीछे नमाज होगी आपकी? नहीं होगी। जी बिल्कुल सही बात है। तो ये देवबंदियों के एक झलक सिर्फ ये समंदर में से एक बूंद डाला मैं आपके पास, एक बूंद में आप नफरत आप जाहिर कर रहे हैं, और दूसरी बात अगर दूसरे कुफरिया बात आप जान लोगे तो उनके साथ उठना बैठना तो दूर की बात, उनको सलामो कलाम करने तो दूर की बात, उनसे बात करना भी पसंद नहीं करेंगे, समझे? अब देखिए हम चलते हैं थोड़ी ये वक्फा, आपके नंबर आ गए हैं इंशाल्लाह, मैं आपको ज़्यादा अगर तकलीफ होगी तो आप खुद बता दीजिएगा मुझे, ताकि मैं किसी को इजा देना या आपको तकलीफ देना मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद ये है कि तमाम लोग दुनिया के अपने ईमान और अकायद को दुरुस्त करके अपने आखिरत को संवारे, मेरा मकसद नहीं है आपके आपसे मुझे दोस्ती भी नहीं है, आपसे मुझे दुश्मनी भी नहीं है, मैं आपको देखा नहीं हूँ, मुझे भी आप नहीं देखे हैं, लेकिन एक मोमिन के दर्द के हिसाब से मैं अपना फरीजा यानी बल्लगु अन्नी वलू आयतन के मिसदाक मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा रहा हूं, मानना नहीं मानना आपका काम है ना, आप अल्लाह रसूल को राजी करना चाहते हैं तो बेशक शुक्र है, मैं आपको वेलकम करूंगा। अब इनके देखिए अकायद, देवबंदियों लोगों को, देवबंदी लोग जो अकायद गढ़ा है, जैसे कि बहुत आदमी लोग कहता है ना, ये बहकाने के शुरू करता है तो कहता है कि क्या ये सुन्नी लोग तो दरगाह जाता है और उनसे मदद मांगता है, ये सब बात करना शुरू कर देगा, वो अपने अकायद को नहीं बताएगा, हिफ्जुल ईमान में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसा इल्म तो बैल गधे जानवर तमाम चीज़ों को माना है, यानी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जैसा इल्म,
वो बात नहीं सुनेगा, बल्कि दरगाह से ये लोग मदद मांगता है, जाता है मजार कहता है ना जाता जी, जी उन लोग कहता है ना सुनियो के बारे में, ये लोग मजार हाँ कहते हैं, जी कहते मजार हैं जाता है, ये लोग कब्र पुजारी है ना, हाँ मुर्दा आदमी से मदद लेता है, ये ऐसा ऐसा कहते कह के हैं बकाता है, लेकिन उन लोग अपनी मजार किताब पर माता का देखते हैं। अपनी किताब को नहीं बताएगा वो लोग। जैसे देखिएगा बता रहा हूँ, अशरफ अली थानवी हाँ है ना, ये माथा टेकना तो मना है, अल्लाह के सिवा जी सजदा तो जी जी मना है बिल्कुल हिंदू में। बिल्कुल, सजदा हराम है। हमने देखा रामपुर में माथा टेक रहे एक बड़े मियाँ ही अपने आगो का नहीं एक माथा मजार पर, ये बिल्कुल सजदा कर रहे थे। हाँ वह हराम है, मुश्रिक मैंने शिर्क खुद तो नहीं अपनी आंखों से करेंगे। देखा, सुनी ना कह रही मैं। आप मत किया कीजिए, लोगों को भी मना कीजिए। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फतावा रजविया शरीफ में जियारत करने का तरीका बताए हैं, उनको हाथ भी नहीं लगाओ, चार हाथ दूर रह करके फातिहा वगैरह पढ़ लो। और ये भी बताया कि कब्रिस्तान मतलब मजार जहाँ है उन्हें औरतों को जाना मना है, मजारों में जी कब्रिस्तान में। हराम बताए हैं लेकिन अब अरलान। देखो तुम कहीं भी देखो मजारों में हर जगह औरतें जाते जाती हैं। जी, औरत लोग जहां पर जाती हैं उन औरतों को मना करनी चाहिए, उस पर अब अल्लाह वो की सुनने लानत चला था होती। वो बतेरी मना करें भाई हमारा कहने न मानती हैं औरतें। हाँ जैसे कोई मजबूरी है, कोई हाजत है, जैसे बर बीमार है, शफा की गर्ज हाँ से दूर रह करके बैठती है, मजार के हुदूद में वो अंदर में नहीं जाती हैं, और मर्द औरत के खलत मलत नहीं है, तो इसमें इख्तलाफ है, और उससे वो काफिर नहीं होगी जाने से, गुनहगार तो होती है, लेकिन कोई मकसद है, अगर दूर से उनके शिफा के वास्ते जा रही है, मजबूर है, तबीयत खराब है, तो जा वो उज्र है, उसके ऊपर सकती है। जा सकती है, वैसे दूर रह करके हुदूद में, मजार के हुदूद में अंदर दाखिल नहीं होना है। अच्छा बहरहाल अपने शरीर में जो जी, मजार है वहां जा सकती है औरतें। हाँ मजार के अंदर नहीं जाना मना अंदर मना है। हाँ बार बार जियारत बिल्कुल के मना गर्ज से मजारों को जाना ही मना है, जैसा कि फतावा है। रजविया में है। अब बता रहा हूं मैं आपको भाईजान आदिल भाई, कि दारुल उलूम देवबंद में एक मरतबा झगड़ा, बहुत फसाद हुआ, यानी मदरिस में सब कोई, तो एक महमूदुल हसन था, और उसको एक ख्वाब में आया कि झगड़े में ना पड़ो, मगर सूरत ऐसी पेश आई कि मौलाना को भी एक जानिब झुक गए, यानी महमूदुल हसन साहब एक तरफ झुक गए। ये वाकया तूल पकड़ गया, उसी दौरान में एक दिन अल सुबह बाद नमाज फज्र मौलाना रफी उद्दीन ने हजरत महमूदुल हसन को अपने हुजरे में बुलाया, जो दारुल्लूम देवबंद में है। मौलाना हाजिर हुए, मौसम सख्त सर्दी का था, क्या था मौसम, क्या सर्दी था, सख्त सर्दी का का था। मौलाना रफी उद्दीन ने फरमाया, पहले ये मेरी रुई का लिबादा देख लो। मौलाना ने लिबादा देखा तो वो तर था, यानी तर माने गीला, और खूब भींग रहा था, यानी इतना भींगा हुआ था वो जो रजाई था लिबादा ओढ़ने का, ठंडा के दिन था ना, इतना भींगा हुआ था वो कि उससे पानी टपक रहा था। ये वाकया ये है कि अभी अभी मौलाना नानतवी जसदे उनसुरी, यानी असली जिस्म के साथ कब्र से उठ करके मेरे पास तशरीफ लाए थे, जिससे मैं एकदम पसीना पसीना हो गया और मेरा लिबादा तर बतर हो गया, यानी रजाई भींग गई। ये फरमाया महमूदुल हसन को, कह दो वो इस झगड़े में ना पड़े, बस मैंने ये कहने के लिए आपको बुलाया है। मौलाना महमूदुल हसन ने अर्ज किया, हजरत मैं आपके हाथ पर तौबा करता हूँ, और इसके बाद इस किस्से में कुछ ना बोलूंगा मैं। अब खामोश रह गया। देखिए अरवाहे सलासा में इस वाकया को अशरफ अली थानवी हिकायत नंबर 246 में सफा नंबर 193-94 में लिखा है, तो बताइए कि कासिम नानतवी मरने के बाद जिस्म का शक्ल अख्तियार करके दारुल उलूम में झगड़ा को सुधारने के लिए आए है ना, और रोकथाम कर दें, मदद भी कर दें, और अपनी कब्र में जाकर के सो भी जाएं। उनके अंदर इतनी ताकत आ गई कि अपना जिस्म
खुद से तैयार कर लिया हूँ, जैसा कि उसमें हाशिया में लिखा हुआ है अशरफ अली थानवी लिखे, वो उनको इतनी कुदरत थी कि वो अपना जिस्म खुद से तैयार कर लिया और दारुलूम झगड़ा सुलझाने के लिए आ गया। लेकिन दूसरी तरफ मैं देखता हूँ फतावा रशीदिया में, रशीद अहमद गंगोही जो इनके कुतुबुल इरशाद कहलाते हैं, वो फतावा रशीदिया में गंगोही ने लिखा, ये अकीदा रखना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्मे गैब था सरीह शिर्क है। फतावा रशीदिया में सफा नंबर 244 में लिखा है। तो ये अजीब मंतिक हुई ना कि अजीब बात है कि अपने मौलवी को कब्र, जो साहब मौलवी साहब कासिम नानतवी हैं, कब्र में भी पता चल गया उनको कि मदरसा देवबंद में उस्ताद में लड़ाई झगड़ा हो रही है और उन्हें आकर हाजत रवाई भी फरमाई उन्होंने, जबकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ भी गैब का खबर मानोगे, इल्मे गैब मान लोगे तो मुशरिक हो जाओगे, और अपने मौलवी के लिए इल्मे गैब भी मान रहा है, मदद भी मांग रहा है और तस्लीम भी कर रहा है। तो एक हवाला, इस तरह से बहुत सारे हवालात किताब में मौजूद हैं आदिल भाई, लेकिन मैं आपको एक झलक बता रहा हूँ। तो ये फतावा रशीदिया के खुद के फतवे से ये अशरफ अली थानवी का काम तमाम हो गया, ये काम, ये तो वो मुशरिक हो गया ना आदिल भाई। तो ये खुद की तहरीर से, अपने ही घर के फतवे से, तो ये तो दायरे इस्लाम से खारिज भी हुआ। तो ऐसे अकीदे रख रहे हैं, ऐसा अकीदा गढ़ रखा है इन लोग, इसलिए इन लोग को मुसीबत आ रही है, नहीं तो इन लोगों को अगर हक के साथ देता तो जरूर इन लोगों को कामयाबी मिलती। लेकिन इन लोग हक के साथ नहीं बल्कि नजद के साथ है, जो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी का जो अकीदा, वही अकीदा इन लोग अख्तियार किया है। इन लोगों के पीछे हमारी नमाज बिल्कुल नहीं होगी। और एक दो और एक हवाला देखिए, सवाने कासमी जिल्द नंबर अव्वल सफा नंबर 332 में लिखता है, ये बहुत बड़े इनके कासिम नानतवी, मुनाजिर हसन गिलानी इसका नाम है, मुनाजिर, ये लिखता है कि वफात याफ्ता बुजुर्गों की रूहों से इमदाद के मसले में उलमाए देवबंद का ख्याल भी वही है जो आम अहले सुन्नत का है, यानी अहले सुन्नत का जो अकीदा है वही देवबंदी का अकीदा है, कह करके लिख रहा है। यानी अहले सुन्नत कौन अहले सुन्नत जी आदिल भाई, इन्होंने लिखा है सवाने कासमी जिल्द अव्वल सफा नंबर 332 में, वफात याफ्ता बुजुर्गों की रूहों से इमदाद के मसले में उलमाए देवबंद का ख्याल भी वही है जो आम अहले सुन्नत व जमात का है। तो अहले सुन्नत व जमात का अकीदा जो है वही देवबंदियों का है कह रहा है। अहले सुन्नत व जमात कौन? सुन्नी लोगों को कह रहा है, यानी मसलक के आला हजरत बरेलवी वाले को, बरेलवी मसलक के आला हजरत को उन लोग कहता है कि बरेलवी कहता है। हम अपने आप को बरेलवी मसलक के आला हजरत तो कहते हैं, लेकिन बरेलवी जमात नहीं कहते हम अहले सुन्नत सुन्नी लोग कहते हैं। उन लोग अपने आप नाम दिया है हम लोगों को बरेलवी मसलक। हमको तो कोई वली से जोड़ दे कोई, चाहे मसलक बरेलवी कहे या अजमेरी कहे या बगदादी कहे, जो वली की तरफ निस्बत कर दे तो हम तो बड़ा खुश होते हैं कि चलो हमारे दुश्मन किसी वली के तरफ तो अल्लाह वालों की तरफ निस्बत कर रहे हैं, इसलिए खुशी होती है हमें। उन लोगों का अगर कह दीजिए तुम देवबंदी हो तो चेहरा की जोग्राफिया ही बदल जाता उन लोगों को, समझे। बहरहाल मैं आपको एक दो अकीदा बता दे रहा हूँ, ये तबलीगी जमात जो लेके जाते हैं ना चिल्ला चिल्ली करने के लिए। अच्छा, ये तबलीगी जमात वाले सब ये कुरान हदीस से ही, कुरान के रोशनी में ही बात करते हैं नमाज के बारे में। जी, नमाज रोजा के बात करेगा, नमाज भी बहुत पढ़ते हैं। हमारे यहाँ एक मस्जिद है मोहल्ले बरेलियों की, अब जाकर देखो इसलिए इमाम रह जा जी, और देवबंदों की मस्जिद है वो फुल भरती है नमाजियों से, नमाजियों से फुल हो जाती है, लेकिन सुन्नियों के मस्जिद में जहाँ भी कम बरेलियों में एक दो नमाजी मुश्किल था जी। यही तो हम अहले वाले हैं, नमाज के
हर बात कुरान की रोशनी में ही तकरीर करते हैं वो जी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नमाज के बारे में जी जी। नमाज के बारे में नमाज मस्जिद में हम पढ़ रहे हैं मगरिब की जी, तो जमात ही सब यही कुरान की हदीस नमाज के बारे में और कोई बात नहीं किस तरीके। जी जी बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कुरान और हदीस के बारे में जो बयान करे जो उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से निकली हुई मतलब जो भी बात है वो हदीस है जी, उसके अलावा हट के कोई बात नहीं करते हुँ। जी बिल्कुल बिल्कुल, अपना अकीदा नहीं बताता है ना, जी उनके अकायद क्या है इनके बारे में हट करके, क्यों वो कुरान हदीस में तो किसी का झगड़ा नहीं है किसी की बुराई करते हैं ये लोग, आज जी तक हमने सुनी ना बच्ची उम्र हो गई हमारी भी, जी कभी इन्होंने बुराई नहीं करी अहले जमात वालों ने। उन लोग कर भी नहीं सकेगा ना, हाँ किसी और बुराई नहीं करते अहले सुन्नत व जमात के इतनी अकीदा पुख्ता है और साफ व शिफाफ है, उन लोगों को एक भी गलती नजर नहीं आएगी और कर भी नहीं सकता है, ना और ना उन कभी लोगों नहीं के करते। अकाबिर जो है ना उसमें इतनी खराबियां हैं, किसको किसको बयान करूं किसको नहीं, ऐसा लगता है मुझे। तबलीगी जमात का मकसद क्या है, अशरफ अली नमाज थानवी के बारे में कहते हैं और कोई, ये नमाज छोड़ो 5 वक्त की नमाज छोड़ो और कुछ ना कहते वो भी धीरे धीरे आपको कहते कहेंगे, हो आपको जी। कहेंगे सलाम खड़ा होके पढ़ोगे तो बिदती हो जाओगे, कहेंगे ना आप नहीं सलाम नहीं ऐसा ऐसे ना कहते वो, एक सलाम बात बताओ ये अत्तहियात है ये सलाम इसमें ना है, अत्तहियात बोलते हैं जी जी वो तो सलाम मजबूरी है इसमें ना, ना है तो मजबूरी है उन लोगों की, अगर नहीं पढ़ेगा तो नमाज नहीं होगी। नमाज नहीं तो फिर आता होता है सलाम ना इसमें हाँ सलाम है उसमें, वैसे भी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जी। कि मुझ पर मोमिनों की पहचान बताएं, मुझ पर कसरत से दरूद पढ़ने, दरूद व सलाम पढ़ने वाले, कसरत से पढ़ने वाले मोमिनों की अलामत होगी। तो बताइए कि इस दौर में सलात व सलाम कसरत से पढ़ने वाले को किसको देखते हैं आप? एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप पर कितना फर्ज के यानी कितना दरूद व सलाम पढ़ूं आप पर, ये तकरीबन बुखारी शरीफ में मौजूद है। तो फरमाया रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो सहाबी कहते हैं कि मैं चौथाई दिन पढ़ूं, तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं इससे इजाफा कर लो। कहा या रसूलल्लाह आधा दिन पढ़ूं, कहा कि इससे इजाफा कर लो। कहा तिहाई पढ़ लूं, तिहाई 24 घंटे में तिहाई ले लूं, कहा इससे भी इजाफा करो तो बेहतर है। तो वो सहाबी हाँ कहे या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फर्ज सल्लल्लाहु अलैहि नमाजों के अलावा जितना भी वक्त बचेगा आप पर दरूद व सलाम में लगाऊंगा। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हारी आखिरत और निजात की भलाई और आखिरत की भलाई तुम्हारे लिए काफी है ये। सही तो बात है ये तो, कितना पढ़ो थोड़ा ही थोड़ा। हाँ, तो सुनियों को देखिए, जहां चाहे वहां पर मिला शरीफ के शुरुआत में या आखिर में हर जगह दरूद व सलाम का एहतमाम करते हैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह। देखो यहाँ मिला शरीफ होती है जैसे कोई करवाता है तो मिला जी जी इसमें बताऊँ कोई एक नमाज को नहीं कहने का कोई भी। हजरत जी आप एक मेरी बात सुने, आप एक ये आदिल भाई कह रहे हैं कि बहुत कसरत से नमाज पढ़ते हैं और सारे कुरान और हदीस से बातें बताते हैं, आप भी ना ये एक बात ये बता दीजिए कि ये बताएं आप कि बोल जो रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु भले अलैहि वसल्लम भाई कह रहे का कुरान वो हदीस से बात शैतान करते से हैं कम का है, वो उसने क्या उसकी नमाज हो उसके पीछे नमाज हो जाएंगी, कह रहे बताइए आप। ये बात और बताती है उसने हेलो हाँ आदिल भाई, जी उन लोगों के पीछे आपकी बिल्कुल नमाज नहीं होगी, उन लोगों के मौलवी जो होते हैं ना उनके अकायद अलग होते हैं समझे, जी लेकिन नमाज रोजा वो उसमें मैं किताब इख्तलाफ का नहीं। हवाले से ये बात बात को बताओ, बताओ अगर हम ये लोग कुरान हवाले है, कुरान हाफिजी तो होते हैं वो भी, कुरान हाफिजी कुरान में कोई फर्क कोई है किसी जेर पे काई का, वो जी कुरान से कुरान हाफिजी तो है वो भी और वो जी भी कुरान हाफिजी है अभी कुरान का हाफिज होने से, मौलवी होने से कादियानी भी तो हाफिज हाफिज मुफ्ती कुरान होता है ना, मुफ्ती भी होते हैं। जी चतुर्वेदी भी होते हैं। जी जी हेलो मौलाना, हाँ हेलो
इनके जो ये पांच अकाबिर हैं, इस्माइल दहलवी, अशरफ अली थानवी, कासिम नानौतवी और अशरफ अली रशीद अहमद गंगोई, खलील अहमद अम्बेटी, इनकी जो पांच किताबें हैं, जैसे कि फतावा रशीदिया है और तहजीरुन्नास है और क्या कहते हैं अशरफ अली थानवी की है और इस्माइल दहलवी की किताब है, उनके हवाले बताओ इन्हें। जी सुनो सही, हवाले क्या बताओ, हमने अलग अलग वाक्यों में तो फर्क कर दिया, कुरान तो एक ही है, कुरान की तारीफ का कायल है, पहले बताया आपको, आज तक किसी जबरदस्त आज तक कोई कुरान में बताओगे फर्क भी वो किताब तो अपनी अपनी सबने लिख दी। नहीं, कुरान में वो अब महमूदुल हसन साहब खुद फरमाए हैं और किताबों में लिखा है भी है, जो उन लोगों के गुरु हैं और उनको चाहने वाले हैं, वो लोग उन्हीं के पीछे पैरवी करने वाले, वो कुरान की तारीफ के कायल हैं, यानी आपको बताया तो आप खुद गलत की कहे। अब देखिए नानौतवी को देखिए, नानौतवी जो हैं ये बानिये देवबंद कहलाते हैं, ये तहजीरुन्नास इन्होंने लिखी, समझे, तो उस पर लिखा है कि अंबिया अपनी उम्मत से अगर मुमताज होते हैं तो उलूम ही में मुमताज होते हैं, बाकी रहा अमल ऐसा बसा औकात बज़ाहिर उम्मती मसावी हो जाते हैं बल्कि बढ़ जाते हैं, ऐसा लिखा है। क्या आपका अकीदा ऐसा है कि अंबिया से आप बढ़ सकते हैं अमल में? आदिल भाई नहीं बढ़ सकते हैं, तो ये लिखा है तहजीरुन्नास सफा नंबर 5 में कासिम नानौतवी जी, साफ इनका मतलब यही कहना है कि अमल में ज्यादा होना जरूरी नहीं है अंबिया के लिए, बल्कि उम्मती उनके बराबर भी हो सकते हैं बल्कि बढ़ भी जाते हैं, माज़ाल्लाह रब्बिल आलमीन। देखो आपने इतनी देर बात बताई, जी नमाज के बारे में आपने एक बार ना की ना नमाज पाबंदी, नमाज में तो झगड़ा ही नहीं ना है आपकी, देखिए आपकी आपकी नमाज कब होगी, जब ईमान सही रहेगा, यही तो है नमाज नहीं कहते कभी, आपकी नमाज कब होगी जब आप वजू के साथ होंगे, ईमान के साथ शर्त है वजू, पाकी भी शर्त है, समझे, सिर्फ नमाज पढ़ने से आपके इबादत मुंह में मार दिए जाएंगे, जैसे शैतान का इबादत मुंह में मार दिए गए, जो सही ना पढ़ता उसके मुंह को क्या मार दिए, जो सही ना पढ़ता नमाज उसके पीछे भी नमाज नहीं होगी, सही नमाज अगर नमाज छोड़ने से 2 करोड़ 88 लाख पर जहन्नुम की आग में जलना पड़ेगा, सबको मार दूंगा जी, देखिए भाई जान, आप जानबूझकर जो नमाज छोड़ता है ना बहुत सख्त गुनहगार है, और जो नमाज एक वक्त का छोड़ देता है, सुन लीजिए, मिन खमसीना अल्फसना 50,000 साल का वहाँ एक दिन होगा, गोया के 80,000 साल एक नमाज छोड़ने के बदले में 80,000 साल वो जहन्नम में जलेगा जो एक वक्त के नमाज छोड़ देता है, समझे। तो हम बताते हैं अब जिसकी मर्जी अमल करे या ना करे, हम तो जबरदस्ती घसीट करके मार करके नहीं पढ़ा सकते हैं ना, सही बात है, समझा नहीं है, हम तो बता सकते हैं, लेकिन भाई जान आदिल भाई, आप जो जिसके पीछे आप नमाज पढ़ रहे हो उसका अकीदा अगर ठीक नहीं है तो आपकी नमाज नहीं होगी, आप इनकार कर रहे हैं, हम भी अंबिया के बराबर कोई नहीं हो सकता, वो हो जाने इमाम, नहीं इमाम जाने तो कादियानी के पीछे भी नमाज पढ़ेंगे आप, शिया के पीछे भी नमाज पढ़ेंगे, शिया के पीछे आप नमाज पढ़ोगे? नहीं नहीं, क्यों नहीं पढ़ेंगे आप, उनके क्यों पढ़ेंगे, वो तो मतलब उन्हें तो अल्लाह ताला भी माफ ना करने का, क्यों माफ नहीं करेगा, क्या वो कलमा नहीं पढ़ता है, कलमा नहीं पढ़ता है, दरूद नहीं पढ़ता है, उन्होंने जुल्म बतेरे करे हैं ना, क्या किया है वो लोग, क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्यों दुश्मनी करते हैं, उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज़ों को उन्होंने गर्दने मतलब शहीद करी, शहीद तो किया उसका परदादा लकड़दादा ने, वो मर करके खप गया, इन लोग नहीं ने किया है, उनके बेटा बेटी औलाद लोग आ रहे हैं, मुहर्रम मनाते हैं ये तो माफ करते हैं, लेकिन अल्लाह ताला
नहीं नहीं आप सुनिए सुनिए आदिल भाई, उन लोग शिया का अकीदा क्या है कि हजरत अबू बकर रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत उमर उस्मान गनी को रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अमीर माविया और दीगर सहाबा के कई सहाबा की तकफीर करता है, वो लोग कुफ्र का फतवा देता है समझे, इसलिए वो दायरे इस्लाम से खारिज है। क्या है? इस्लाम से खारिज, इस्लाम से खारिज है। लेकिन हम देखते हैं, ये किताब पढ़ते हैं, फतावा रशीदिया, रशीद अहमद गंगोही, उन्होंने अपने फतवे में साफ तौर पर लिखा कि तमाम सहाबा को काफिर कहने से सुन्नत जमा से खारिज नहीं होगा, उसकी समझे, उन्होंने फतवा दिया है तमाम सहाबा को काफिर कहने से मुसलमान ही रहेगा, वो सुन्नत जमा से खारिज नहीं होगा। ये रशीद अहमद गंगोही एक फतवा दिया है, लेकिन अल्लाह के बारे में इन लोग कई किताबें हैं कि अल्लाह झूठ बोल सकता है भी लिखा है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीवार के पीछे का भी खबर नहीं है, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बराबर अमल में उम्मती बराबर हो सकता है, अभी बताया मैं तहजीरुन नास का, ऐसा गंदा अकीदा है तो वो शिया से भी बदतर कौम है, हुआ कि नहीं ये जी? वो तो वही है, मुझे तो जरूरी है, तो काफिर है ना वो, ऐसा कहने वाला नहीं है, ऐसा कोई नहीं कहता, ऐसा लिखने वाला काफिर हो गया ना, ये तो बनावट की बात है आदिल भाई, ऐसा कहने वाला काफिर होगा कि नहीं? हाँ बिल्कुल होगा, वो तो जो ऐसा कह रहा जी, जो ये कासिम नानतवी कहा है, रशीद ये कासिम नानतवी रशीद अहमद गंगोही का दिलबर जानी है, ये जो दिन दहाड़े एक चारपाई में लेट करके उस्ताद और शागिर्द और मुरीद लोग सब जमा थे, और इन लोग एक ही चारपाई में लेट करके सीने पे सहला रहा था गंगोही जी, क्या इनके बदफेली बयान करूं मैं, आप अकीदा सुनिए, बराहिने कातिया सफा नंबर 55 में खलील अहमद अम्बेटवी और रशीद अहमद गंगोही क्या लिखता है, शैतान और मलिकुल मौत का इल्म हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा है, माजल्ला पढ़िए, क्या आप जानते हैं आदिल भाई के शैतान का इल्म रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हो सकता है जी? नहीं हो सकता है। तो लिखता है क्या है, अलहासिल गौर करना चाहिए, शैतान व मलिकुल मौत का हाल देख कर इल्मे मुहित जमीन का फखरे आलम को खिलाफे नुसूसे कतईया के यानी कुरान हदीस के बिला दलील महज क्यासे फासेदा से साबित करना शिर्क नहीं तो कौन सा ईमान का हिस्सा है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुरान हदीस से अगर आप ज्यादा इल्म साबित करोगे तो शिर्क है कह करके ये साफ तौर पर कह रहा है, लेकिन शैतान और मलिकुल मौत को ये वसात यानी ज्यादती नस से यानी कुरान हदीस से साबित हुई फखरे आलम की उस आते इल्म की कौन सी नसकाती है जिससे तमाम नुसूस को रद्द करके ये शिर्क साबित करता है। ये बेवकूफ गधे को इतना भी बदतमीज इतना बोगजे सुन्नत यानी सुन्नी के बोग्ज में इतना अंधा हो गया ये मौलवी, और लिख भी छोड़ा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ज्यादा इल्म मानोगे तो मुशरिक हो जाओगे, शिर्क हो जाएगा, लेकिन शैतान के लिए ज्यादा इल्म मानोगे तो कुरान और हदीस के बराबर मुआफिक होगा। एक ही चीज शिर्क कैसे हो सकता है, तौहीद बन जाएगी, और एक ही चीज शिर्क कैसे हो सकती है ना, इन लोगों को सोचनी चाहिए था, आप बना दिया कुछ के कुछ शैतान के मोहब्बत में आगे बढ़ करके, आप खुद कर रहे हो आदिल भाई, हम बात इसी के ऐसे करने वाले को काफिर भी समझते हैं, आप कह रहे हैं ना जी, आप इकरार भी कर रहे हो, ये रशीद अहमद गंगोही और खलील अहमद अम्बेटवी जो इनका गुरु घंटाल सबसे पहले देवबंदी को जो तश्कील दिया है, इन लोग बनाया जो अकीदा गढ़ा, उन लोगों की किताबें ये है मौजूद है। और ये कि अशरफ अली थानवी जानते हैं ना, जानते हैं हकीमुल अमत है ना जी, हकीमुल अमत जी, ये अशरफ अली थानवी भी कम पीछे नहीं हटा, ये अंग्रेज
लोग इनको उस वक्त में 600 रुपया महीना दे रहा था, मकालमतु सदरैन में लिखा हुआ है, जबकि जबकि उस वक्त के जो नौकरी करता था बड़े बड़े प्रोफेसर हो व ऑफिसर होते थे उनको महीना में उस दौर में विक्टोरियन के जमाने में बड़े बड़े ऑफिसरों को महीना में 54 मिलता था। कितना मिलता था? 54 मिलता था, 54। अब इस दौर में बड़े ऑफिसर का, जिसे ये अभी हम लोगों के जमाने में बड़े ऑफिसर बड़े जज का 1,00,000 रुपया महीना मिलता है। कम से कम 1,00,000, 1,00,000 कम से कम मिलता है ना, तो वो लोग बड़े ऑफिसर को 54 मिलता था, तो ये 1,00,000 के बराबर मिलता था उन लोगों को। लेकिन मुकालमतु सदरैन में लिखा है, और अंग्रेज ने अशरफ अली थानवी खुद उस किताब को पढ़ा भी, सही भी किया, बाद में छपवाया भी, उसमें किताब लिखी हुई है। उस वक्त में, वो दौर में, वो महंगाई के दौर में, जिस दौर में पैसा कम था, वो अंग्रेज 600 रुपया देता था महीना उनको। कितना देता था? 600 रुपया महीना देता था। तो वो दौर और इस दौर में तकाबुल करते हैं, तो उस दौर में, इस दौर के मुकाबले में उसको कितना मिलता होगा? 6 करोड़ मिलता है और था महीना में, समझे, अशरफ अली थानवी को। तो कौन सी खिदमत करता था वो? गवर्नमेंट का कोई आदमी नहीं था, कुछ नहीं था, ये क्यों पैसा देता था? तो वो वजह सामने आई, एक किताब उन्होंने लिखा, कई किताबें लिखी हैं, मैं एक मिसाल के तौर पर एक झलक बता रहा हूँ। जैसे आपके पास कोई कहेगा कि आपके अब्बा के बारे में कोई कहेगा, अब जैसे आपके मिसाल मैं देता हूँ, आदिल भाई का ऐसा इल्म है, जैसे ऐसा आदिल भाई को अल्लाह ने ऐसा इल्म दिया है, ये इल्म दिया है, ऐसा उसकी क्या खासियत है? ऐसा इल्म तो गधे को भी, जानवरों को भी, आदिल भाई की क्या खासियत है? वैसा तो जानवर को भी है ना, वैसा तो कुत्तों को भी है, वैसा तो सुअरों को भी है। अगर कहेंगे तो आप गुस्सा होंगे कि नहीं मुझ पर? आदिल भाई जी, जी आपको मैं कहूं कि आपके इल्म की क्या खासियत आदिल भाई, आपके जैसा इल्म तो, ऐसा इल्म तो जैसे आपको अल्लाह ताला ने दिया है, वैसा इल्म तो गधे को भी, सुअर को भी, कुत्ते को भी है, कहेंगे तो आप गुस्सा होंगे कि नहीं? जी। तो आप ऐसा कहने वाले को आप कभी सलाम कर सकते हैं? जी। आपको कोई कहेगा आपके इल्म तो गधे के जैसा है, कहेगा तो आप उससे बात करेंगे आप? जी। नहीं करेंगे ना। तो ये अशरफ अली थानवी हमारी बात नहीं, बल्कि बुखारी शरीफ में है, व अनस रदियल्लाहु ताला अन्हु قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن احدكم حتى يكون احب من ولده ووالده والناس اجمعين। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकते जब तक के तुम अपने आप से, तुम अपने अहलो अयाल से, तुम अपने औलाद से, तुम अपने माँ बाप से, बल्कि तमाम लोगों से सबसे ज्यादा मुझसे मोहब्बत ना कर लो, उस वक्त तक तुम मोमिन नहीं हो सकते। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान मौजूद है, सुने होंगे कभी बयान में, सुने हैं ना? हाँ सुने। तो ये अशरफ अली थानवी रसूल पाक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने जितना इल्म अता किया है, सही ना? आप इसी को भी तो समझा दो, अपने अहलो अयाल से क्यों नाराज रहे में है? जी हाँ, मैं बता दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। ये मतलब सब साहब क्यों ना मिल के रहते? जी 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 जी, मिल के रहिए, अच्छी बात है। समझा दो थोड़ा बहुत। जी जी बता रहा हूँ मैं, हदीस में लिखा हुआ, अपनों से मोहब्बत मत करो, अपनों से कटी करो, अपनों से नफरत करो। नहीं नहीं, देखिए हम बता रहा हूँ, बता रहा हूँ मैं, तो मैं बता रहा हूँ इंशाल्लाह अजीज, ये सुन लें। तो अशरफ अली थानवी ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने जितना इल्म अता किया है, वैसा वैसा इल्म जानवरों, पागलों, बच्चों को भी हासिल है। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, आना अक्ल सलीम दें इन लोगों को। ये लिखता है फिर ये कि आपकी ज़ाते मुकद्दसा पर इल्मे गैब का हुक्म किया जाना, अगर बकौल जैद सही हो तो दरियाफ्त तलब अमर ये है। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब? अगर बाज़ उलूम में गैबियाँ मुराद हैं तो इसमें हुजूर की क्या तकसीस है? जी जी, मोबाइल स्विच ऑन होने वाला हमारा तो एक मिनट सुन लीजिए, ऐसा
ऐसा इल्म गैब तो जैद व अमर बल्कि हर सभी मजनून बल्कि जमी हैवानात बाइम के लिए भी आसिर है। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन हिफ्ज़ुल ईमान सफ़ा नंबर 15 में लिखा, आप कहे कि जो मेरा इल्म की तहकीर करे उससे बात और सलाम क़याम सलाम करना बंद कर देंगे, तो ये तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अशरफ अली थानवी लिख रहा है, और आप उसी के साथ में रहेंगे तो आप बताइए आपसे अल्लाह खुश होगा या नाराज होगा? अगर अशरफ अली मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत चाहिए इंसान से इंसान की, नफरत बताइए उन्होंने? जी मोहब्बत चाहिए बस, तो अगर इंसान नफरत कर दे अपने माँ बाप से भी, भाइयों से भी, नहीं मैं बता रिश्तेदारों से भी नाते तोड़ रहे हैं, नहीं मैं बता दे रहा हूँ आपको इंशाल्लाह अजीज बताऊंगा मैं, ये बताइए कि रसूल पाक सर नहीं बोल रहा हूँ मैं, लिखा हुआ बता दे रहा हूँ भाईजान आपको, जल्दी ना करें जब आपकी आप जो बोलने वाला फिर करेंगे बातचीत तसल्ली से, नहीं ये भी बता दे रहा हूँ मत जाइए अभी, तो आप हो जाएगा तो हों दो ना बाद में चलो फिर करेंगे, नहीं सुन लीजिए ना बता दे रहा हूँ, अरे फिर जॉब होने वाला है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हदीस सुन लीजिए अच्छा गर्ज, काला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, सुन रहे हैं ना, इय्याकुम व इय्याहुम व आदिल भाई, आदिल भाई हेलो चले गए, अरे बहुत बड़ा मक्कार इंसान है साले, मैं हदीस सुना रहा था उसको ये ताकि अपनों से दुश्मनी क्यों करते हैं, अपनों से क्यों अगर बद मजहब हो गए हैं तो उससे हमें कोई सरोकार नहीं, चाहे माँ बाप हो या औलाद हो हमें उससे कोई सरोकार नहीं रखनी चाहिए, ये हम अपनी तरफ से नहीं कहते हैं बल्कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बद मजहब से दूर रहो और उन्हें अपने करीब ना आने दो, कहीं वो तुम्हें गुमराह ना कर दें, कहीं वो तुम्हें फितना में ना डाल दें, अगर वो बीमार पड़ जाएं तो उनकी इयादत ना करो, अगर मर जाएं तो उसकी जनाजे में शरीक ना हो, और उससे मुलाकात हो तो उन्हें सलाम ना करो, उनके पास ना बैठो, उनके साथ ना पियो, उनके साथ ना खाना खाओ, उनके साथ शादी ब्याह मत करो, उनकी जनाजा की नमाज मत पढ़ो और उनके साथ नमाज ना पढ़ो, ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि अबू दाऊद शरीफ हदीस नंबर 4691 और इब्ने माजा शरीफ हदीस नंबर 92 में सही हदीस मौजूद है, और कई हदीस में यही मौजूद है, मुस्लिम शरीफ में भी, इब्ने हब्बान में भी, कई हदीसों में ये हदीस लाए हैं मुहद्दिसीन किराम बयान किए हैं, तो बताइए कि हम अपने तरफ से बदमजहबों को क्यों हम बात करेंगे मोहब्बत से? बात तो ये हजरत ये बड़े बहुत बड़े हदीस इंसान हैं साले, क्या बताएं मेरा दिमाग खराब है। जी जी इनको मैं फिर बात करूंगा इंशाअल्लाह अजीज, है ना, जब तक इसको लाइन में नहीं लाऊंगा इनसे खुद बोलवाऊंगा मैं, ये खुद बयान करेगा, खुद इकरार करेगा, अब गलती भी बताएगा, अब पूरे तौर पर अगर बता दूंगा मैं इंशाअल्लाह अजीज, तो उम्मीद है कि ये भी निकल करके आ जाएगा। वह बात यह है कि ये लोग जो है ना मतलब इकरार भी करेंगे कहाँ गलती ना, फिर भी चलेंगे उन्हीं के पीछे, ऐसे ना हजरत, तो सुअर से बदतर कौम यार ये लोग, ये भी 72 फिरके हैं ना, तो 72 फिरकों में सबसे ज्यादा हरामी और बदकौम जो कौम है वो यही है। जी जी शिया से हजारों गुना बढ़ा हुआ है ये लोग, समझे, सबसे ज्यादा देवबंदी इतना खतरनाक जरासीम है, ये इतना खतरनाक इन लोग को बीमारी पकड़ी हुई है, अल्लाह वाली जिधर चाहे उधर लुढ़क जाएगा इन लोग। हजरत मैं ये देखता हूँ कि अहले सुन्नत को तो जितना नुकसान इस देवबंदी से आया ना जी, किसी कौन सा नहीं है, किसी से भी नहीं है, वल्लाह बताते हैं सही बात है, अहले हदीस देखिए, अहले हदीस देखिए अपने अपने अकायद आरा वो देखने ही से मालूम हो जाता है ये अहले हदीस है, लेकिन इन लोग देखने से मालूम नहीं होगा, हमारे भेष हमारी शक्ल हमारी सूरत हमारी तरह बातें करके और लोगों को आहिस्ता आहिस्ता यानी
चूहे की तरह कतर देंगे, पता नहीं चलेगा। अब तुमने देखना वो हदीस क्या बोल लिया मेरे बारे में जी, क्या अपनों से बात नहीं कर रहे, अपनों से दूर नहीं रहते, बताओ कहाँ ले होगा। जहाँ ये बात बताने का नंबर आया तो मादर चौथ यूँ कह रहा है मोबाइल बंद होने वाला, साले झूठ बोल लिया ये हदीस ये झूठ बोल दिया बिल्कुल जी जी। वरना दूसरा तो ये अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूँ मेरा मोबाइल बंद होने वाला, तो मैं तो ये कहूँगा हजरत आप बात करो, मोबाइल कभी बंद हो सकता है, बात करते रहे आप जी जी, बंद होगा शादी को लगा दूंगा छुट्टी। पहले नंबर तो वो बचता रहा, पता नहीं किस वजह से आपने बीवी को फोन दे दिया और वहीं पर झूठ बोला वो, क्या वजह क्या सबब है पता नहीं, अब अल्लाह जाने। हम तो कल फिर लाइन पर लगे ना, हाँ फिर लूंगा इंशाल्लाह। इनकी गलती, तुमने गलती ये की कर दी शुरू में, फिर तुमने जो मेरा नाम बता दिया, तुम जो जब मालूमात करता है ना जब बताते, चलो खैर कोई बात नहीं, अब यह है कि कल बात करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है ठीक है, अगर फोन उठाता तो ठीक है ठीक है, अपलोड कर देना इसे भी। ठीक है जरूर करूंगा। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।